Shivaji Choudhary this side. Vitiligo में काफी time हो चुका है जीते हुए और मैं काफी proud हूँ कि मुझे इतनी सारी obstacles से cross करके मैं mental level मेरा इस तरीके का है कि मैं अपने आप को काफी better बनाने में लगा रहता हूँ और जो कि मुझे लगता है बहुत important चीज है. यही positivity और यही approach लेके हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और Aarus Foundation भी इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस एंड पॉजिटिविटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्योंकि हम जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी और ये प्रॉब्लम कभी थी नहीं, ये हमने बनाई है और हम ही इसमें घुसे हुए. इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि इस चीज़ से बाहर निकलिए, लोगों से जुड़ो, कुछ कभी कोई प्रॉब्लम होती है Aarus Foundation को कॉल करो, दे हैव काउंसलर्स एंड दे हैव रियली गुड पीपल देयर. और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब ये इनिशिएटिव्स लेते हैं और इतनी सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है कि देखो लोग कुछ कर रहे हैं. और इसी के साथ आप लोग इनसे जुड़िए और आगे बढ़िए क्योंकि हमें रुकने का नहीं है, रुक के कुछ होता भी नहीं, रुक के तुम बस अपने कम्फर्ट जोन में बैठे रहो. बाहर निकलो, घूमो, एक्सप्लोर करो और बहुत अच्छा एक्सपोजर दो दुनिया से. एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ तुम जुड़े होगे और मैं यही चाहूँगा कि तुम इस चीज़ को हमेशा बनाओ. एंड शिवाजी, लाइक समटाइम वी सी पीपल गोइंग टू डिप्रेशन और वो बोलते हैं कि कैसे जिए इसके साथ में, तो कुछ मैसेज देंगे आप? यार जैसे कि मैंने कहा, ये मेंटल प्रॉब्लम अपने खुद के दिमाग में है. डिप्रेशन भी वैसे ही चीज़ है. डिप्रेशन आदमी तब होता है जब आप अपने आप को जाने देते हो, वहाँ तक आपको जाने नहीं देना है क्योंकि तुम अपने आप को इस चीज़ को प्रॉब्लम लेके चल कैसे रहे हो. मैं तो आज भी यही क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम इसको अपने आप को प्रॉब्लम लेके नहीं, मैं इसको प्रॉब्लम लेके नहीं चलता, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है. और इसीलिए डिप्रेशन में लोग जो जाते हैं, इस चीज़ से धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओ कि इससे बाहर निकलो कि ये चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करती. लोगों का क्या कहना है आप उस पर ना जाओ, आपका क्या कहना है आप उस पर टिके, क्योंकि लोग आपके लिए नहीं जी रहे, आप अपने लिए जी रहे. दोनों बातों में बहुत फ़र्क. सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, अपने ऊपर कुछ स्किल्स डेवलप करो, कुछ हॉबीज में पार्ट लो ताकि तुम अपना माइंड धीरे 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 डाइवर्ट करके अच्छी चीज़ों की तरफ लाओ. अगर आप नेगेटिविटी या डिप्रेशन की साइड पे हो, ऐसे करते करते आप अपनी बेटर चीज़ें पे लाओ. अपने आप को चैलेंज करो कि आज हम ये कुछ नया करना चाहते हैं, आज हम कुछ नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, हमें कुछ नया खाना बनाना सीखना है या कुछ नया स्पोर्ट खेलना है. यू नेवर नो, क्या पता तुम्हारे इंटरेस्ट और कुछ नई चीज़ें जागे. लेकिन जब तक तुम उस चीज़ को नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं पड़ेगा. इसको मैं इंग्लिश में हमेशा बोलता हूँ, यू नेवर ट्राई यू नेवर नो, सिंपल इज दैट. आई वॉन्ट यू गाइज टू डू समथिंग गुड ईच डे एंड चैलेंज योर सेल्फ टू डू समथिंग न्यू सो दैट यू लर्न मोर. एंड हम लोग देखते हैं कि मैरिज में लोग बोलते हैं शादी कैसे होगी, सोसाइटी में लोग थोड़ा सा बोलते रहते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत सारे लोगों का देखो आपको भी क्वेश्चन आता रहेगा. तो जब ये शादी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इन सब के ऊपर कुछ बात आती है, मेरा तो ये कहना है कि आप खुद सोचो ना, आपके सामने सोसाइटी झलक रही है कि सोसाइटी में जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या शादी की बात आती है तो वो आपसे क्या देख रहे हैं, वो आपका चेहरा देख रहे हैं, आपका दिल और दिमाग तो देख रहे हैं ना इन दी एंड. तो इससे आपको साफ झलकता है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हो या नहीं वो आपके ऊपर. लेकिन आप इस चीज़ को ये चीज़ ध्यान रखना कि आप एक अच्छे इंसान के साथ तो जुड़ नहीं रहे अगर वो आपकी बस और बस फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं. आपका दिल और दिमाग जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो एक इंसान के साथ, लाइक गेटिंग मैरिड और व्हाटएवर इट इज, वो कहाँ है? वो तो है, सारा का सारा चैप्टर ही आपके चेहरे, आपके वाइट पैचेस को देख के जज कर रहे हैं. आपका दिल और दिमाग के हिसाब से तो आपको किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा. और ये नहीं करा तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपको कम से कम पता तो है लोगों की असलियत, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ जुड़ो जो दिल से आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट. और लाइक जो डिप्रेशन में आपने अभी पहले बताया ना कि एक्सेप्ट करो अपने आप को, तो ये क्या लगता है, ये थोड़ा इजी है, इजी टास्क है या थोड़ा सा हार्ड है? प्रैक्टिस करिए, लाइक आई सेड एवरी डे वेक अप कुछ करो कि भाई नहीं यार मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है, कि आईने के सामने खड़े हो, अपने आप को देखो, अपने आप को कॉन्फिडेंटली देखो, ये मैं हूँ, ये नेचर है, ये आपने ड्राइंग नहीं करी है इनके ऊपर, या डॉक्टर ने ड्रॉ नहीं कराया, आपके पड़ोसी ने ड्रॉ नहीं कराया इसको, कि भाई नेचर हुआ. तो आप नेचर के खिलाफ कैसे जा सकते हो बॉस? यू कैन नेवर एवर चेंज द कोर्स ऑफ नेचर, रिमेंबर दैट, एक्सेप्ट द नेचर, सिंपल. थैंक यू सो मच शिवाजी. चीयर्स.